आज हम लोग क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनेशन क्या है, उसके बाद उसका फॉर्मूला देखेंगे। तो देखिए क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा। इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ सर्टेन पॉइंट। सिंपली समझिए कि इंफिनिटी पॉइंट से किसी भी सर्टेन पॉइंट पर लाने में जो हमारा वर्क डन होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखिए अब हम लोग फिगर से समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या। एक हम लोगों ने प्लस क्यू चार्ज लिया, ओके, और दूसरा चार्ज क्या है हमारा क्यू नॉट। ये कहां पे है, इन्फिनिटी पे, इनफाइनाइट पे है, ओके। अब क्या करना है हम लोगों को, ये क्यू नॉट जो है इसको हम लोग कहां पे लाएंगे, इस ये जो हमारा प्लस क्यू जो है इसके अंदर लाएंगे, ओके। तो ये इसको हमने यहां लाया तो ये क्या हो गया हमारा क्यू नॉट, ओके। और क्यू नॉट का नाम हम लोगों ने क्या रख दिया, सर्टेन पॉइंट। अब देखिए हम लोग आगे क्या देखते हैं। अब कहने की बात क्या है कि ये क्या है हमारा पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, अपने से दूर फेंकेगा। लेकिन हमको करना क्या है, हमको तो इस घर के अंदर आना है, ओके। ये घर किसका है, प्लस क्यू का है, लेकिन हमको भी प्लस क्यू के घर के अंदर आना है। तो हमें क्या करेगा, करना पड़ेगा, हमें जबरदस्ती वर्क डन लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि हम इसके घर के अंदर आ सके। तो हम लोग जो वर्क डन करेंगे, यहाँ पे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा क्यू नॉट को। जब आप लोग वर्क डन कीजिएगा उसके बाद ही इस घर के अंदर आ सकते हैं, ओके। अब हम लोग बात कर लेते, ये तो पॉजिटिव चार्ज था तो उसका हम लोग देख लिए कि वर्क डन कैसे होगा। अब दूसरी बात हम लोग क्या कर लेते हैं, निगेटिव चार्ज अगर रहेगा तो माइनस क्यू एक हम लोगों ने चार्ज ले लिया और दूसरा हमारा क्या है क्यू नॉट है जो कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। अब क्या करते हैं, इस क्यू नॉट को हम लोग यहाँ पे लाते हैं, ये हमारा क्या है सर्टेन पॉइंट। अब ध्यान दीजिएगा क्या है हमारा, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव है। तो पॉजिटिव और निगेटिव है, ओके, तो क्या हो जाएगा हमारा, दोनों एक दूसरे को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे मतलब क्या होगा, वो एक दूसरे में चिपक जाएंगे। लेकिन देखिए हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को क्यू नॉट को इस पोजीशन पे रखना है कि क्यू नॉट जो है वो यहाँ पे रह जाए, क्योंकि इसके अंदर जाएगा ये तो खींचेगा ही, क्योंकि ये क्या है हमारा डिफरेंट चार्ज है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है। तो निगेटिव चार्ज तो क्यू नॉट को खींचेगा ही, लेकिन हमें क्या करना है यहाँ पे रखना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्तगन करना पड़ेगा, ओके। तो हम लोगों ने क्यू नॉट को हम लोग वर्तगन करवाएंगे। So, क्या हो गया हमारा, ये क्या था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम लोग बात क्या कर लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की फॉर्मूला का। देखिए इसका डिफिनेशन क्या है, वर्क डन जो लगेगा इनफाइनाइट से किसी भी चार्ज को सर्टेन पॉइंट पे लाने में, यहाँ पे हमारा सर्टेन पॉइंट क्या है क्यू नॉट, वो क्या हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग वी से डिनोट करेंगे, तो वी इज इक्वल्स टू वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, वर्क डन को हम लोग W से लिख सकते हैं, W बाय, और देखिएगा यहाँ पे हम लोगों ने चार्ज क्या लिया था इनफाइनाइट पे क्यू नॉट, तो W बाय क्यू नॉट, ये क्या हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी है, यह स्केलर क्वांटिटी है और ऐसा यूनिट इसका क्या है, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, वर्क डन का क्या होता है जूल और चार्ज का क्या होगा कूलाम। सो ऐसा यूनिट इसका क्या हो जाएगा J बाय सी, और इसका दूसरा ऐसा यूनिट क्या है वोल्ट। तो ये क्या था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको आप लोग सिंपली समझिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या, वर्क डन जो लगेगा इनफाइनाइट से किसी भी चार्ज को सर्टेन पॉइंट पे लाने में, वो हमारा क्या कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए।